वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज तुहाडे नाल पोले दी मनुखता नूं शर्मसार करन देण वाली करतूत तुहाडे नाल सांझी करांगे। दसदे ने कि प्रसिद्ध कवीशर योगा सिंह जोगी दा बेटा भाई अनूप सिंह शहीद हो चुका सी। उसकी बेटी रतिंद्रवीर कौर पिता की शहादत समय बहुत ही ज़्यादा छोटी सी, 16 साल की उम्र विच दर्शन सिंह मैमोरियल कॉलेज फेरूमान विखे पढ़ रही सी। पर योगा सिंह जोगी कौम दे वधिया कवीशर होण करके तकरीबन सारे ही धार्मिक जोड़ मेलियां दे विच हाजरी पढ़ते रहे हैं। उन्हों का मुख दफ्तर भी बाबे बकाले होण करके निहंग जथेबंदियों के नाल उन्हों का वधेरे आउण जाण रहा। इस तरह ही निहंग सिंघां वल्लों मनाए जाते जोड़ मेलियां ते समागमां उपर जाण करके उन्हां दी मुलाकात अजीत सिंह पूले दे नाल हो गई। पूले ना जोगी होरां दे घर आउणा जाणा हो गया। उस समय फिर यह नेड़ता इन्नी क बढ़ गई कि जदों पूले दे भरा मलकीत सिंह कुकू का जायदाद दे झगड़े दे विच कतल कर दिता तो पूले ने मलकीयत सिंह दे छोटे जिहे बच्चे नूं भी कुछ समय दे लई जोगी जी दे घर छड़ दिता। हुण पूले की नज़र भाई शहीद अनूप सिंह की सपुत्री ते पई जो कि अजे जवानी की दहलीज ते पैर ही धर रही सी। इसने इस लड़की दे नाल नेड़ता बधाउणी शुरू की कर दिती अते काफ़ी पैसे भी देने शुरू कर दिते। छोटी उम्र होर करके बच्ची लालचवश पूले दे नेड़े हुंदी गई क्योंकि उम्र विच पूला उसके पिता समान सी। पूला उसनू लालच दे के हौली हौली अपने जाल दे विच फसा रहा सी। कई बार पूले ने उसनू घरों अपने डेरे उपर इस बहाने दे नाल बुला लेना कि मैं इकला हाँ, मेरे कोल कोई खाना बनाउण वाला नहीं है, तू आ के मेरा खाना बना दे। डेरे तो जदों उस बच्ची ने कॉलेज जाना तो पूले ने आप लाल बत्ती वाली गड्डी दे विच उसनू कॉलेज भेजना। सो वह बच्ची इस दे लालच विच आ के इस दे नेड़े हुंदी गई। हौली हौली पूले ने उसनू ये लालच दिता कि मेरे कोल बहुत सोना है तो मैं सारा तेनू दे देंगा। तो कुछ समय के बाद पूले ने उस बच्ची दे नाल शरीरक संबंध बना ले। हुण वह मासूम बच्ची इस दे जाल दे विच फस चुकी सी अते जदों समझ आई तो बहुत देर हो चुकी सी। हौली हौली भाई योगा सिंह जोगी अते आम रिश्तेदारां नू भी पता लग गया कि बच्ची नाल की बीत रहा है। कई बार योगा सिंह बच्ची नू लैण पूले दे डेरे गए परंतु पूले ने बच्ची नू मिलन भी ना दिता। सगों जदों योगा सिंह जोगी डेरे तो वापस मुड़न लगे तो अपने गुंडियां नू कहा कि गड्डी लै जाओ अते जोगी बिच मार के इसनू खत्म कर दिओ, मैं अपने आपे इसनू एक्सीडेंट का रूप दे देंगा। कुछ समय के बाद किसी तरीके इस बच्ची नू घर लिया गया पर कुछ ही दिनों के बाद पूला फिर उसनू जबरदस्ती चुक लिया। उदों लगातार 2 महीने मासूम रतिंद्रवीर कौर घर वापस नहीं सी पहुँची। जदों सरकारी दरबारे कोई सुनवाई ना हुई तो हार के हाई कोर्ट के विच रिट पाई गई। हाई कोर्ट ने संबंधित इलाके के पुलिस अधिकारियों तो जवाब मंगया। वो अफसर पूले कोल गए तो कहन लगे हुण सानू कोई जवाब देना पैना है, कोई हीला करो। पूले ने कानूनी दा पेचा की सूझ रखने वाले जार अपने एडवोकेट दीपेंद्र सिंह ढिल्लों तक पहुँच की थी। उस समय तो उसने नाबालिग रतिंद्रवीर कौर के कानूनी तौर पर पूले दे नाल मैरिज रजिस्ट्रेशन के कागज़ तैयार कर दिते। पूले दे जुंडी दे यारा ने हाई कोर्ट नूं सूचना भेज दी लड़की ने अपनी मर्जी दे नाल पूले दे नाल ब्याह करवाया है तो वह उसके कोल मर्जी दे नाल ही रह रही है। कानूनी चाराजोई तो बेला हो के पूले दे नाल इस दरिंदे ने भाई योगा सिंह का गुस्सा भी उसकी मासूम पोतरी ते कढ़िया। उस मासूम बालड़ी नूं पूले ने निहंग बाणे हेठ लुके अपने बाकी बदमाश साथियों के हवाले करके बारी बारी सारिआं नूं बलात्कार करन दा हुक्म दिता। मासूम रतिंद्रवीर कौर उपर सारी रात बहशियाना कहर टाया गया। उस मासूम बच्ची उपर होए इस अत्याचार का भी भाई सुरजीत सिंह गवाह है। ये शर्मनाक घटना समुची सिख कौम के लिए एक चैलेंज सी क्योंकि मासूम बच्ची रतिंद्रवीर कौर का पिता अनूप सिंह सिख संघर्ष के शहीद होया सी। पर समुची कौम अंदरों कोई भी लीडर या जथेबंदी एक शहीद सिंह की बच्ची की आबरू एक बदमाश टोले तो बचा ना सकी। इस पहशत नूं अपने जिस्म ते हंडा के मासूम बच्ची की हालत नी पागलां वाली हो गई। उसकी इस हालत नूं वेख के रैम दे लोग उस ते तरस करदे ते मन ही मन दे विच इस पूले नां दे हरनाक्ष ते पापां दा घड़ा छेती भरन दीआं अरजोईआं करदे। अखीर एक दिन पूले की गैर हाजरी दे विच भाई योगी ते होर रिश्तेदार आ के नीम पागल रतिंद्रवीर कौर नूं लै गए। इत्थे पूले दे गिरोह दे विच रह के गया मरुंडे दा एक नौजवान, एक रब दे पैर रखण वाला नौजवान जिसने उस उपर वरते
ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੂਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਬੀ ਰਤਿੰਦਰਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਲੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੂਲੇ ਨੇ ਰਤਿੰਦਰਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਗੁੰਡੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਵਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚੀ ਰਤਿੰਦਰਵੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਲੇ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਰਬਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਮਾਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਰਤਿੰਦਰਵੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾੜ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰੰਤੂ ਬਾੜ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸਨ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।